दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहां पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है। यहां पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर एलिजिबल रहेंगे। सैलरी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। उसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। ये संस्था आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। तो यहाँ पर आपकी अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी रहने वाली है, जहाँ पर बीबीटेक और डिप्लोमा वालों को एलिजिबल किया गया है। इन सभी पोस्टों में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बीबीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सिविल इंजीनियर्स के लिए। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बीबीटेक या फिर डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, आपके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बीबीटेक किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में या फिर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, आपके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बीबीटेक किया है सिविल या फिर नवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में या फिर आपने डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आपके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। बात कर लेते हैं आपके पे लेवल के बारे में। तो पहले साल में सैलरी यहां पर आपको 50,000 रुपये प्रति मंथ मिलने वाली है। दूसरे साल में सैलरी यहां पर आपको 52,000 रुपये प्रति मंथ मिलने वाली है। तीसरे साल में सैलरी यहां पर आपको 54,000 रुपये प्रति मंथ मिलने वाली है। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के लिए। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बीबीटेक किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में या फिर आपने डिप्लोमा किया है इन्हीं ब्रांचों में, आपके पास 8 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने बीबीटेक या फिर डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 8 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सिविल इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने बीबीटेक या फिर डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, आपके पास 8 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। बाकी सैलरी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सैलरी यहाँ पर आपको पर ईयर के हिसाब से कितनी मिलने वाली है। बात करें आपके अप्लाई प्रोसेस के बारे में, तो अप्लाई प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑनलाइन रहने वाला है। फॉर्म ऑनलाइन होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 22 मार्च से और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 12 अप्रैल रहेगी। बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के लिए। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। दूसरी वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर होने वाला है। रिटन टेस्ट में यहाँ पर आपसे 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चन पेपर यहां पर आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। बात करें आपके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, अगर आप यूआर, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस यहां पर आपको लगभग 500 रुपये देनी है। बाकी की किसी भी कैटेगरी को यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। अगर आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।